जितना कर्मों की धूलि गति को समझेंगे मन हल्का रहेगा, डबल लाइट रहेंगे। जिसके प्रति आप परेशान है, ये व्यक्ति मेरे साथ क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, सारे प्रश्न का उत्तर है कर्मों का। तुम्हारे कर्म अपने मन को समझा, ये मन तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। भाग के जाने से, घर छोड़ के जाने से हिसाब किताब शुद्ध होंगे, ब्याज के सही देना पड़ेगा, फिर और डबल बढ़ जाएगा। तो जहां भी है खुश हो गए। कल मैं जेल में गया था पूरे, तो मैं आधा घंटा तक लेक्चर किया, कैदी बेचारे नाराज होकर के निराश होकर ऐसे बैठे। तो मैंने सोचा बेचारे ये बल्ले पर, तो मैंने सुना के सुनाते एक बात उनको सुनाई। हमने कहा हमारा परमात्मा पिता है, पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करता। हो सकता है ये 2018 आपके लिए बाहर कोई खतरा होगा, इसीलिए भगवान ने वहां से उठा करके यहाँ रखा, चारों तरफ से दीवार बांध करके पहरे वाले रखे, ताकि कोई यमराज आपका कुछ बिगाड़ ना सके। ये बात सुनते इतने खुश हो गए, क्योंकि भगवान का भी अपना प्रयोजन है। तो जो होता है सब उसको लगता है मेरे को जेल में क्यों रखा, अरे भी तुम बाहर जाते मरने वाले थे, इसीलिए भगवान याद रखिए, अच्छा किया ना। तब सबके चेहरे इतने खुश हो गए। तो फिर जेलर साहब को बोलते हैं सर इनको बोलो कि हमारा साथ दिन का कोर्स करो, हमको ये करो, और ही ज्यादा पॉजिटिव बन गए। ये है पॉजिटिव बनने का। तो आपको भी जहां भी रखा है किसी ने रखा है, ये भी सेवा है।